कहा हुर दुनिया में मैं तुम्हें सबूत दे दूंगा कि मेरी मां ने तुझे माफ कर दिया। मां का रुमाल निकाला, माथे पे हुर के बांधा और क्या जुमला कहा मेरे मौला ने, हुर तेरी मां ने तेरा नाम कितना अच्छा रखा, हुर तू आजाद हो गया। हजरत हुर शबे आशूरा खेमे में टहल रहे हैं। सात शख्स ने पूछा हुर क्या हो गया, परेशान लगते हो। कहाँ करार नहीं था कि सुबह जंग हो, मैं तो जंग के लिए नहीं आया था। तो वो समझा कि शायद डर गए हैं। कहा हुर कूफा में सबसे शुजा तरीन शख्स अगर कोई पूछे कौन है तो तुम्हारा नाम लेते, तुम्हें क्या हो गया। कहा नहीं, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में देख रहा हूं। बस हुर ने वो रात गुजारी और दिन होते ही इमाम की खिदमत में गया अपने बेटे के साथ। जनाब अली अकबर ने इमाम हुसैन से कहा कि बाबा हुर आए हैं। इमाम ने कहा हाँ हुर को आने दो, आने दो। हुर आए इमाम की खिदमत में, खुदा की बारगाह में तौबा की। इमाम ने हुर को कबूल किया। हुर ने कहा मौला मुझे इजाजत है। कहा हाँ इजाजत है। इमाम हुसैन जैसी शख्सियत कोई आए और इमाम उसे ना बिठाए, लेकिन इमाम ने कहा हाँ जाओ। कैसे बिठाते, कोई आए तो कम से कम पानी तो पिलाता है इंसान, और खेमों में पानी नहीं था। कितना करीम है हुसैन और उतनी ही बड़ी मजलूमियत कि कोई हुसैन के पास आए। हाँ हाँ हुर जाओ जाओ। हुर जाने लगे, कहा मुझे इजाज़त है मैं अहले हरम से माफ़ी मांग लूँ। अज़ादारान मोहतरम खेमों के बाहर बैठ गए और यही कहा कि बीबियों से कि रोज़े क़यामत मेरी शिकायत अपनी वालदा से मत कीजिएगा। हुर भी जानते हैं निजात कहाँ से मिलनी है। हुर जानते हैं जाने मोहतरम, बहर जिस माँ ने चकियाँ पीस के हुसैन को पाला हो वो माँ जानती है ना हुसैन क्या है। हमें तो नहीं पता रहा है, खुदा करे कि हमें मारिफत हो, लेकिन माँ माँ होती है। तो जब इमाम हुसैन दुनिया में आए थे तो आप जानते हैं कि जब रसूल खुदा के हाथ में बुलाया, हज़रत जिब्राइल आए और वो सब बताया, तो रसूल खुदा गिरिया करने लगे, रोने लगे। जब ये देखा तो इमाम अली आए, कहा मेरे बेटे में क्या है, वो भी रोने लगे। बीवी तशरीफ लाई, कहा बाबा मेरे बच्चे में कोई मुश्किल, कहा नहीं मुझे जिब्राइल ने आके ये बताया। तो बीवी भी रोने लगी और रोते रोते यही पूछा बाबा जब हुसैन के साथ ये होगा तो आप होंगे, कहा नहीं। कहा अली होंगे, कहा नहीं। कहा मैं होंगी, कहा नहीं। तो कहा बाबा मेरे हुसैन को कौन रोएगा। अल्लाह अल्लाह, हमें नहीं पता हमारी कदर क्या है। रसूल खुदा ने कहा नहीं बेटी, खुदा एक कौम पैदा करेगा जो तुम्हारे हुसैन पे गिरिया करेगी। अल्लाह अल्लाह। हाँ ज़ादर हुर जानते थे, हुर ने इसलिए कहा कि रोज़े मैशर अपनी वालदा से मेरी शिकायत मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हुर ने तो रोका था, हुर ने रोका था खेमे लगे, अब हुर क्या करे। मगर कितना करीम खानदान है। हुर से पहले हुर का बेटा गया और फिर गिर गया। बस आखिरी मराहिल हैं, आपसे इल्तमास दुआ। अज़ीज़ान-ए-मोहतरम,
हुर अपने जवान बेटे के बदन पे पहुंचा। जैसे ही पहुंचा ना, तो फिर खुद इमाम हुसैन पहुंच गए और इमाम हुसैन ने हुर से एक जुमला कहा, हुर जवान बेटे के लाशे पे, जवान जवान बेटा पता है ना आपको किसे कहते हैं, जवान बेटे के लाशे पे हुर बाप नहीं आता, बाप नहीं आता। अभी आशूरा का दिन अजीब है। मैं कहूंगा हुर अगर आप कुछ देर रुक जाते तो आप देखते एक जवान जब गिरेगा तो एक बाप न जाने किस तरीके से उस तक पहुंचेगा। अल्लाह, किस तरह पहुंचेगा। हुर गए, हुर ने भी जो है वो जंग की जितना कर सकते थे, हुर भी गिरे, हुर के बदन पे इमाम पहुंचे, सलाम हो उस प्यासे शहीद पर, सलाम हो सैयदा के बेटे पर जो सुबह से इन बदनों पर पहुंचता रहा। दर्द महसूस करें, गम थोड़ा महसूस करें, कुछ तो और हम कर नहीं सकते। जब हुर के बदन पे पहुंचे ना, तो हुर कहते हैं खून माथे पे था, साफ किया, अपनी मां का रुमाल निकाला। अल्लाह, यानी इमाम हुसैन कह भी देते तो भी काफी था, मगर नहीं, कहा हुर दुनिया में मैं तुम्हें सबूत दे दूंगा कि मेरी मां ने तुझे माफ कर दिया। मां का रुमाल निकाला, माथे पे हुर के बांधा और क्या जुमला कहा मेरे मौला ने, हुर तेरी मां ने तेरा नाम कितना अच्छा रखा, हुर तू आजाद हो गया।